अभिभावक संघ ने की निजी स्कूलों पर लगाम लगाने की मांग। बरेली अभिभावक संघ के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष विशाल श्रीवास्तव और दानिश जमाल के नेतृत्व में एडीएम ज्ञापन दिया और निजी स्कूलों के मनमाने रवैये पर लगाम लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2020 का नया सत्र शुरू होने वाला है और शुल्क संबंधी नियम के अनुपालन में कोई बैठक नहीं हुई है। नए सत्र में किताबों और बैग के वजन के मानक छात्र की आयु के अनुसार बनाए गए थे, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ट्रांसपोर्ट संबंधी एक कमेटी भी गठित करने की मांग की गई थी। अभिभावक संघ ने निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य के बैठक बुलाने और उस पर जल्द अमल करने की मांग का है। ज्ञापन देने वालों में संजय अरोरा, हेमंत कुमार आदि उपस्थित रहे। क्या नाम है? काशिफ जमाल। क्या मामला है? काशिफ जमाल, अभिभावक संघ से महानगर अध्यक्ष। आज हम लोगों ने जो अभिभावक संघ की जो मीटिंग बुलाकर एडीएम सिटी साहब से भेंट की और उस पर अपने कुछ पहलू उनके सामने स्पष्ट किए, जैसे कि स्कूल बैग को लेके मेन मुद्दा था, बच्चों की स्कूल बैग को लेके, जिसका वजन की वजह से बच्चों के ऊपर बड़ी समस्या उनको झेलना पड़ती है, जूझना पड़ता है। दूसरा, हमने शुल्क समिति को लेके, बच्चों की फीस को लेके उनके सामने अपना पहलू रखा। तीसरा, हमने ट्रांसपोर्टेशन को लेके अपना पहलू उनके सामने रखा और एडीएम सिटी साहब ने आज हमें आश्वासन दिया है कि हम इस पर जल्द से जल्द अपनी मीटिंग बुलाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे प्रशासन लेवल पर और उसकी जानकारी आपको हफ्ता 10 दिन के बाद उन्होंने हमें समय दिया है, उसकी आश्वासन दिया है कि हम इसकी जल्द से जल्द आपको कार्रवाई करके पूरी इसका समाधान करेंगे। क्योंकि इस वक्त वायरस, कोरोना वायरस का जो मेन इशू चल रहा है उसको लेके हर आदमी इस वक्त गंभीर समस्या से जूझ रहा है और उन्होंने कहा है कि हफ्ता 10 दिन का समय हम आपसे इसलिए ले रहे हैं नया सत्र शुरू होने से पहले, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा समय चाहिए क्योंकि हर आदमी इस वक्त घबराया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया और आज हमें एडीएम सिटी साहब से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई कि उनके आश्वासन से हमें अपना आश्वासन पे पूरा प्रोत्साहन मिला है।